और अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। बरेली में आरोपी की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया। राजस्थान के अलवर में भी अवैध संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो महाराष्ट्र के पुणे में अवैध पापर बुलडोजर चलाया गया। ये तीन तस्वीरें कार्रवाई की, बुलडोजर की एक कार्रवाई हुई। बरेली उत्तर प्रदेश की पहली तस्वीर, अलवर राजस्थान और फिर ठाणे महाराष्ट्र की तस्वीर। अवैध निर्माण थे उनको ध्वस्त किया गया है। जगह जगह पर जहां जहां पर अवैध निर्माण बने थे उन तमाम को ध्वस्त किया गया। और महाराष्ट्र में अवैध पब और बार पर बुलडोजर एक्शन। पुणे ठाणे में तोड़े गए अवैध पब और कई सारे बार यहां पर तोड़े गए। आपको बता दें सीएम शिंदे का अवैध पब और बार पर एक्शन का निर्देश था, जिसके बाद ये बड़ा कदम यहां पर प्रशासन की ओर से उठाया गया है। और ये वही अवैध पब और बार है जिसको यहां पर तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं ठाणे में ही पुणे में पॉश कार मामला हुआ था, जिसके बाद से कई सारे पब ऐसे थे जो अवैध निर्मित थे और उन्हीं पर एक्शन का यहां पर लगातार आदेश दिया गया था, जिसके बाद यह एक्शन होता हुआ आप देख रहे हैं। जितने भी अवैध पब और बार वहां पर बने थे या फिर ठीक ढंग से नहीं बने थे उनको यहां पर ध्वस्त किया जा चुका है। ठाणे महाराष्ट्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यूपी के बरेली में फायरिंग के आरोपी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। 22 जून को बरेली में प्लॉट पर कब्जे को लेकर कई राउंड फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी राजीव राणा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, तो बुलडोजर कार्रवाई लगातार यहां पर जारी है। इससे पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब यूपी के बरेली की तस्वीर आप देखिए। फायरिंग के आरोपी के अवैध संपत्ति पर यह योगी का बुलडोजर है जो चल रहा है। और 22 जून को बरेली में प्लॉट पर कब्जे को लेकर कई राउंड फायरिंग की गई थी और इसी मामले में मुख्य आरोपी राजीव राणा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। ये अवैध निर्माण है जिसको कि अब ध्वस्त किया जा चुका है और फायरिंग का ये पूरा मामला है किस तरीके से फायरिंग की गई और उसके बाद आरोपी के घर पर जो अवैध निर्माण था उस पर बुलडोजर चला।